के थाना काहना की हदूद में नाराज बीवी के ना मानने पर दामाद ने फायरिंग करके सास और साले को कत्ल कर दिया है। अरसलान हैदर, बताइएगा इस मामले की तफसीलात। जी बिल्कुल, नाराज बीवी के ना मानने पर दामाद की जानिब से फायरिंग से जो है वो सास और साले को कत्ल कर दिया गया है। थाना काहना की हदूद में मुलजिम जफर ने फायरिंग करके 70 साल सास जिसका नाम जो है मरियम बीबी और 18 साल साला अक्सर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है के 18 साल अक्सर और उसके साथ जो उसकी जो माँ थी मरियम बीबी वो मौका पर दम तोड़ गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मों और इसके साथ साथ मुलजिम जो है वो मौका से फरार है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जफर और इसकी बीवी के दरमियान तनाजा था और इसकी बीवी फातिमा जो है वो रूठ कर 2 साल से अपने मेके में रह रही थी। तो जो गुज़िश्ता रात मुलजिम जफर अपनी बीवी को बनाने के लिए तो अपने ससुराल के घर पहुंचा तो सास के साथ तलक कलामी पर जो है उसने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सास और साले को गोलियां लगने से वो मौका पर कत्ल हो गए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया और वाकये का मुकदमा मकतूल अख्तर के भाई असगर की मुदय्यत में दर्ज कर दिया है और मुलजिम का हाल फरार है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया अरसलान हैदर।